दोस्तों साल 2018 खत्म हो गया है और अब समय आ गया है 2018 की टॉप 15 हॉलीवुड की मूवीज के बारे में बात करने का। वैसे 2018 हॉलीवुड के लिए काफी एवरेज रहा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स ने हमें डिसअपॉइंट किया, बट उतनी ही फिल्म्स ने अपने कंटेंट से हमें सरप्राइज भी किया। यानी 2018 में काफी सारी ऐसी हॉलीवुड की फिल्म्स आई जिनमें कोई ज्यादा वीएफएक्स नहीं था, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स नहीं थे, या जिनमें कोई पोस्ट अपोकलिप्टिक या डिस्टोपियन फ्यूचर नहीं था, बट फिर भी उन फिल्म्स ने अपने कंटेंट से हमें सरप्राइज किया। और काफ़ी सारी ऐसी फिल्म्स जिनमें ये सब कुछ था, वीएफएक्स था, मॉन्स्टर्स थे, बट फिर भी उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया। चलिए, जिन्होंने डिसअपॉइंट किया उनके बारे में तो हम अलग से बात करने ही वाले हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में। लेकिन उस लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले ऑनरेबल मेंशंस, यानी जिन फिल्म्स के नाम टॉप 15 लिस्ट में नहीं आ पाए हैं पर फिर भी वो आपको देखनी चाहिए, ऐसे कुछ फिल्मों के नाम। और आज मैं जितनी भी फिल्मों के नाम इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो हिंदी में डब्ड अवेलेबल है या नहीं ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि वो जिन हॉलीवुड की फिल्म्स के मैं नाम बताता हूँ वो हिंदी डब्ड में अवेलेबल है या नहीं ये भी मैं बताऊँ। तो चलिए, इन सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑनरेबल मेंशंस। ऑनरेबल मेंशंस में सबसे पहला नाम है ब्लैक पैंथर का, साल की सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म। ब्लैक पैंथर के बाद में टूम रेडर, टूम रेडर फिल्म सीरीज के रिबूट की ये फर्स्ट फिल्म है। ऑनरेबल मेंशंस में तीसरा नाम है सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी का, स्टार वॉर्स फिल्म फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म है। चौथी फिल्म है हेरिडिटरी। काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को साल की सबसे बढ़िया हॉरर फिल्म कहा है, बट इंडियन ऑडियंस के लिए ये फिल्म थिएटर में देखना जीवन का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, और उसकी वजह है सेंसर बोर्ड। यानी जिन सीन्स को कट करने की ज़रूरत नहीं थी ऐसे भी सीन्स को कट किया गया था। इतने सारे कट्स के मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने हेरिडिटरी के रिव्यू में भी इसका जिक्र किया था और मैं इतना गुस्सा हो गया था ये फिल्म देखकर, सेंसर बोर्ड ने जो किया था इसके साथ में वो देखकर, कि मैंने सेंसर बोर्ड के लिए एक अलग से मैसेज देने के लिए वीडियो भी बनाया था। ऑनरेबल मेंशंस की पांचवी फिल्म है बोहेमियन रैप्सोडी। ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन के लीड परफॉर्मर और सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। फ्रेडी भारतीय मूल के थे, भारतीय पारसी समाज से वो थे। मुस्लिम प्रोसिक्यूशन अत्याचारों से बचने के लिए जब पारसी समाज भारत में आया था उसी समय उनका परिवार भी भारत में आया था। ये सारी बातें फिल्म में बताई गई है और आज की यंग जनरेशन को खास करके ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक कंजर्वेटिव रूढ़ीवादी परिवार से फ्रेडी मर्क्यूरी को फिल्म में दिखाया है। उनके पिताजी हमेशा फ्रेडी को डांटते रहते थे कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म, यही जीवन में सब कुछ है, ऐसा वो हमेशा उन्हें समझाते रहते थे। बट फ्रेडी बचपन में उनका मजाक उड़ाता था और वो उनसे कहता था कि यार ये सारी बातें करके आपने जीवन में क्या कमा लिया, आपको क्या मिल गया अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से। यानी काफ़ी लिबरल सोच वाला उन्हें फिल्म में शुरुआत में दिखाया है, बट बाद में वो जीवन में अपने टैलेंट से काफ़ी सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं, बट जो मन में आया वो किया। जीवन में कोई नियम नहीं, बंधन नहीं, माँ बाप की जो डांट है उनका कोई बंधन नहीं, पूरा मन के अनुसार वो अपना जीवन जिए। बट जब जीवन में धोखा दिया, धोखा नहीं कह सकते, जब लाइफ झटका देती है, झटका हम कह सकते हैं, जब जीवन झटका देता है ना, तब आदमी को अपने माता पिता की कही बात याद आती है। शुरुआत में तो वो हमें कंजर्वेटिव लगते हैं, रूढ़िवादी लगते हैं उनकी बातें, बट जब जीवन झटका देता है ना तब माता पिता की कही बातें ही हमारा साथ देती है। और इस फिल्म के एंडिंग में फिर फ्रेडी अपने पिताजी से आकर कहता है, पापा देखो मैं आपकी तरह बन गया, अच्छे विचार, अच्छे कर्म। और उस सीन में हमारी आंखों में, दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और आपको जरूर देखनी चाहिए। बोहेमियन रैप्सोडी के बाद में ऑनरेबल मेंशंस की छठी फिल्म है ब्रैडली कूपर और लेडी गागा स्टारर अ स्टार इज बॉर्न, जिसके डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी ब्रैडली कूपर ही है। और अब ऑनरेबल मेंशंस की सातवीं और सबसे आखिरी फिल्म द ग्रिंच। देखिए, हमारे देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स है वो हमेशा दिवाली, होली, करवा चौथ, रक्षाबंधन ऐसे त्यौहार आने के बाद में उनका किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से विरोध करते हैं। हम हमेशा देखते हैं कोई भी त्यौहार आने से पहले इस प्रकार के कुछ ना कुछ पोस्ट्स, आर्टिकल्स हमें पढ़ने में आते ही है। तो इस फिल्म का भी जो लीड कैरेक्टर है ना, द ग्रिंच, वो भी क्रिसमस इस त्यौहार से बहुत ही अंदर से शिद्दत से नफरत करता है, बट उसमें किस प्रकार से बदलाव आते हैं, उसे इस त्यौहार का महत्व कैसे पता चलता है, धीरे धीरे फिर इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। लेकिन ये कैरेक्टर बाद में इतना लवेबल हमारे लिए हो जाता है क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे का रीज़न भी हमें फिल्म में आगे दिखाया गया है। यानी सो कॉल्ड लिबरल से ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये तथाकथित लिबरल्स तो बिना मतलब का ही नफरत फैलाते हैं त्योहारों के लिए, बट ग्रिंच के इस नफरत के पीछे एक वजह फिल्म में दिखाई है। तो ये फिल्म भी आपको अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। चलिए, ऑनरेबल मेंशंस तो खत्म हो गए हैं और अब हम बात करते हैं साल 2018 की टॉप
टॉप 15 हॉलीवुड की मूवीज के बारे में। 15 नंबर पर है आइल ऑफ डॉग्स। अब इस नाम को आप तेजी से प्रोनाउंस करिए, उच्चार करिए, आई लव डॉग्स, आई लव डॉग्स, आई लव डॉग्स, आई लव डॉग्स, ऐसा हम अचानक से प्रोनाउंस करने लगते हैं, उच्चार करने लगते हैं। तो इस नाम से आप फिल्म का सब्जेक्ट तो समझ ही गए होंगे, पर सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इस फिल्म में जो स्टॉप मोशन एनिमेशन टेक्निक का यूज़ किया है, उसके अलावा जो जिस प्रकार से इस स्टोरी को, कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक अलग ही एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है, और ये फिल्म भी आपकी मस्ट वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। 14 नंबर पर है अ क्वाइट प्लेस। ये फिल्म मैंने 4DX में देखी थी, और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और मैं भी आपको कहूँगा, कभी भी कोई हॉरर फिल्म आप 4DX में कभी मत देखना। वैसे 4DX में ज़्यादातर सुपर हीरो मूवीज़ या जिनमें फिक्शनल दुनिया दिखाई जाती है या जिनमें ढेर सारा एक्शन होता है, वही फिल्म 4DX में रिलीज़ होती है, और उनमें इतनी सारी ढेर सारा आवाज़ होता है फाइट सिक्वेंसेस का, एक्शन सिक्वेंसेस का, कि वहाँ पर हमें वो चेयर के हिलने की आवाज़ नहीं आती। बट जब मैंने अ क्वाइट प्लेस 4DX में देखी थी, तो वो चेयर के हिलने की ज़रा सी भी हल्की सी चराने की जो आवाज़ थी ना, वो डिस्टर्ब कर रही थी। क्योंकि इस पूरी फिल्म में डायलॉग्स तो है ही नहीं, काफ़ी सारी जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंट। और उसमें जब वो चेयर की हिलने की हल्की सी आवाज़ आती है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। बट अगर आपको एक सांसें थाम देने वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो अ क्वाइट प्लेस आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें कोई घोस्ट नहीं है, एक फैमिली के सर्वाइवल पर बनी ये फिल्म है, और ये फिल्म आपके दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ाएगी। 13 नंबर पर है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। स्पाइडरमैन किसे पसंद नहीं है, चाहे कितने भी सुपर हीरोज आ जाए, पर स्पाइडरमैन की जगह कोई नहीं ले सकता। बचपन से डिज्नी आवर में स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज़ देखकर हम बड़े हुए हैं, और डिज्नी की तरफ से ये एक हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हम कह सकते हैं, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। एक ब्रिलियंट स्टोरी, मल्टीपल स्पाइडरमैन्स, मल्टी यूनिवर्स, एक्शन, कॉमेडी, सब कुछ है इस फिल्म में। 12 नंबर पर है इनक्रेडिबल्स 2। फर्स्ट पार्ट के 14 साल के बाद में इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ, और जहां पर फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था ना, बिल्कुल वहीं से ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। अभी भी अगर आप एक साथ दोनों फिल्म्स देखें ना, फर्स्ट पार्ट के बाद तुरंत सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस बीच में 14 साल का समय बीत गया है। दोनों ही फिल्म्स की मूल भावना के साथ में, उनके कैरेक्टर्स के साथ में, उनके इमोशंस के साथ में कोई भी छेड़छाड़ ही नहीं की गई, क्योंकि दोनों ही फिल्म्स के राइटर और डायरेक्टर ब्रैड बर्ड ही है। इस बीच उन्होंने रेटाटुई, मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल जैसी फिल्म्स को भी डायरेक्ट किया, और इनक्रेडिबल्स 2 ने हमें बिल्कुल कहीं पर भी निराश तो किया ही नहीं, उल्टा एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम इनक्रेडिबल्स 2 को कह सकते हैं। 11 नंबर पर है अक्वामैन। इस फिल्म की स्टोरी ने भले ही थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट किया, उतना इमोशनली हम स्टोरी के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाए, पर इस फिल्म के विजुअल्स पिछले कई सालों में मैंने देखे हुए सबसे बढ़िया विजुअल्स थे अक्वामैन के। मैंने करीब 5 या 6 फिल्म्स IMAX में देखी है, और उन सब में अक्वामैन का मेरा एक्सपीरियंस आज तक का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था। और विजुअल एक्सपीरियंस के अलावा भी जेसन मोमोआ का परफॉर्मेंस, और जो अटलांटिस की अंडर वाटर दुनिया वर्ल्ड दिखाया है, पूरा यूनिवर्स डायरेक्टर जेम्स वॉन ने जिस प्रकार से क्रिएट किया है ना, उनके इमेजिनेशन के लिए कुछ पागलपन हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था इस फिल्म में, और उसके लिए कम से कम आपको अक्वामैन को ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। 10 नंबर पर है सकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो। अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर में ISIS के टेररिस्ट के द्वारा जब एक सुसाइड बॉम्बिंग की जाती है, वहाँ से इस फिल्म की शुरुआत होती है। इसके बाद में US गवर्नमेंट को पता चलता है कि मैक्सिकन ड्रग कार्टर्स बॉर्डर के द्वारा ISIS के टेररिस्ट को और अवैध घुसपैठियों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में भेज रहे हैं, और इसके बाद में इसके खिलाफ चलाए गए एक सीक्रेट ऑपरेशन के ऊपर ये फिल्म आधारित है। यानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव और राइट विंग आइडियोलॉजी वाली, रिपब्लिकन आइडियोलॉजी वाली फिल्म हम इसे कह सकते हैं। जिस प्रकार से भारत में परमाणु, द गाजी अटैक, उरी वगैरह फिल्म्स आती है जिनमें भारतीय सेना का सम्मान किया जाता है, और ऐसे फिल्म्स को हमारे देश के सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स विरोध करते हैं, नेशनलिस्टिक जंगोइज्म, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म वगैरह कहकर, उसी प्रकार से सकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो के बाद में भी अमेरिका के जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स हैं, उन्होंने भी इस फिल्म का काफ़ी निगेटिव रिव्यूज़ दिए थे। उन्होंने अपने रिव्यूज़ में कहा था कि इसमें स्टीरियोटाइप किया जा रहा है पर्टिकुलर समाज को, और वैसे ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ थी, इसमें स्टीरियोटाइप करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, पर फिर भी सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स ने कहा कि ये ट्रंप सरकार का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा है ये फिल्म। बट मुझे ये फिल्म देखकर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा, एक बहुत ही जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो इस फिल्म में दिखाई गई है, और ये फिल्म आपको ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। 9 नंबर पर है क्रिस्टोफर रॉबिन। विनी द पूह इस कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड सबसे पहली फिल्म मैंने ये देखी थी। इसके पहले मैंने कभी कोई एनिमेटेड सीरीज या फिल्म नहीं देखी जिसमें विनी द पूह ये कैरेक्टर दिखाया गया हो, पर इस पहली फिल्म में विनी द पूह ने मेरा दिल जीत लिया,
और ये बात कोई केवल क्यूट कैरेक्टर की नहीं है, इस फिल्म में जो मैसेज दिया गया है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। यानी भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर, अपनी अकड़ को, पकड़ को, मान्यताओं को, स्वार्थ को, इन सब को छोड़कर हमें वर्तमान में खुश रहना चाहिए। कभी-कभी कुछ न करना भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जो भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नहीं दिया जा सकता, जो जिस तरीके से इस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है। तो आपको अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर ज़रूर दिखानी चाहिए। 8 नंबर पर है स्टीवन स्पिलबर्ग सर की रेडी प्लेयर वन। ये फिल्म भविष्य के ऐसे समय पर आधारित है जहाँ पर सब लोग अपना ज़्यादातर समय ओएसिस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं, जहाँ पर वो अपनी मन की सुप्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। कुछ भी मन में आए वो वहाँ पर कर सकते हैं, मनचाहा रूप ले सकते हैं, मनचाही बातें सीख सकते हैं, अपना जेंडर बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, बट इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है 80s के पॉप कल्चर रेफरेंसेस। चाहे वो 80s का म्यूजिक हो, उस समय की क्लासिक हॉलीवुड मूवीज के रेफरेंसेस हो, जैसे कि द शाइनिंग मूवी का रेफरेंस, चाइल्ड्स प्ले की चक्की डॉल, उसके अलावा अकीरा की बाइक और आयन जायंट, मेकागॉडज़िला, डायनासोर्स, उस समय के हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स, ये सब कुछ था इस फिल्म में। 7 नंबर पर है राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट। आई एम बैड एंड दैट्स गुड, आई विल नेवर बी गुड एंड दैट्स नॉट बैड। ये बात कहकर राल्फ ने इसके फर्स्ट पार्ट में हमारा दिल जीत लिया था। और अब इस सेकंड पार्ट में एक मनुष्य की किसी के प्रति की आसक्ति कितनी नुकसानदायक हो सकती है, ये बात बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से इस फिल्म में समझाई गई है। और साथ में इस फिल्म की कहानी बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है, ऐसा मैं कहूँगा। हम इंटरनेट पर जो जो भी चीज़ें, जो जो भी वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, उन सबको कैरेक्टर्स के रूप में इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। और डायरेक्टर का इमेजिनेशन सच में गजब का है इस फिल्म में, और इसीलिए आपको ये फिल्म ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। डेफिनेटली ये फिल्म साल की सबसे बढ़िया एनिमेटेड फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं। 6 नंबर पर है डेडपुल 2। मैंने डेडपुल 1 से भी ज़्यादा इस फिल्म को एन्जॉय किया। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय इस पर हो सकती है, बट मुझे सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें डेडपुल पहले पार्ट से भी ज़्यादा फनी था, शैतान था। ये फिल्म पहले पार्ट से भी ज़्यादा हमें हंसाती है। ग्राफिक वायलेंस भी इस फिल्म में ढेर सारा है। सिचुएशनल ह्यूमर का यूज़ भी इसमें बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। और इन सारी बातों की वजह से मैं इसे एक परफेक्ट आर रेटेड फिल्म कहूँगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट कोई कम था इससे, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने सेकंड पार्ट को ज़्यादा एन्जॉय किया। 5 नंबर पर है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। डेफिनेटली ये फिल्म इस सीरीज की सबसे बढ़िया फिल्म है, और आज तक बनी हुई सबसे बढ़िया एक्शन मूवी भी। यानी इसके एक्शन सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा सेटिस्फाइंग थे कि मैं उनको देखते समय अपने आप सीट पर मूव हो रहा था। यानी मैं कोई 4DX थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल थिएटर में ही एक्शन सिक्वेंसेस के साथ में अपने आप मूव हो रहा था। इस प्रकार से उन्हें देखते समय मैं खो गया था। फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर चेसिंग सीक्वेंस हो, बाइक चेसिंग सीक्वेंस हो, कार चेसिंग हो, रनिंग चेसिंग सीक्वेंस हो, हर एक चेसिंग सीक्वेंस, हर एक फाइट और एक्शन सीक्वेंस उतना ही ज़्यादा खूबसूरती से शूट किया है, और वो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला था। 4 नंबर पर है क्रीड 2। मैंने इसके पहले भी आपको रॉकी इस पूरी फिल्म सीरीज़ के हमारे रिव्यू में और क्रीड 2 के रिव्यू में भी कहा था, रॉकी ये कैरेक्टर मेरे लिए किसी फैमिली मेम्बर की तरह है। और आप भी अगर ये पूरी सीरीज़ देखेंगे ना, तो रॉकी का कैरेक्टर आपके लिए आपके फैमिली मेंबर की तरह बन जाएगा। और मैं इस सीरीज में आगे भले ही और 100 फिल्म सी क्यों ना आए, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि रॉकी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। मैं इसके बाद की 100 फिल्में भी और देखना चाहूँगा। और क्रीड 2 तो डेफिनेटली साल की सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है। और सिल्वेस्टर स्टेलोन सर को तो मैं खास करके बहुत ही पसंद करता हूँ। यानी उनके विचार, उनकी फिलोसॉफी, वो जिस प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव और राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, और उसकी झलक हमें उनकी फिल्मों में भी नज़र आती है। इसके बारे में डिटेल में हमने रॉकी इस पूरी फिल्म सीरीज़ में बात की है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और अब हम बात करने वाले हैं साल की 3 सबसे बढ़िया हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में। 3 नंबर पर है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अब इस फिल्म के बारे में कुछ बोलना ज़रूरी है ऐसा मुझे नहीं लगता। वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड एंटरटेनिंग सुपर हीरो मूवी एवर मेड। मैंने ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी, और थिएटर में फैंस का पागलपन सच में वो देखने लायक था। फिल्म के एंडिंग में कुछ लोग अपने आंसू पोंछ रहे थे लिटरली, और पूरी फिल्म के दौरान बस तालियां और सीटियां बज रही थी थिएटर में। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में। अब इसके बाद में साल की दूसरी सबसे बढ़िया फिल्म है लेडी बर्ड। वैसे ये फिल्म 2017 की है, अमेरिका में ये फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी, पर भारत में इसे मार्च 2018 में रिलीज़ किया गया था, और इसलिए ये फिल्म हमारी 2018 की लिस्ट में है।
देखिए, आज तक आपने कई सारी कमिंग ऑफ एज या फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर बनी हुई फेमिनिस्ट फिल्म्स या फिर टीनेज ड्रामा मूवीज आपने आज तक ढेर सारी देखी होंगी। ऐसी सारी सो कॉल्ड कमिंग ऑफ एज टीनेज ड्रामा या फेमिनिस्ट मूवीज में आपने आज तक क्या देखा है? इन फिल्म्स में ये दिखाया जाता है ज़्यादातर कि माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चों के सपनों को कुचलते हैं, किस प्रकार से उन्हें दबा कर रखते हैं, कैसे उन्हें अपने सपनों को पूरा नहीं करने देते, कैसे बार बार डांटते टोकते रहते हैं, और उनके डांट से, उनके टोकने से, उनके बार बार समझाने से किस प्रकार से आज युवा परेशान होते हैं, वो उन फिल्म्स में दिखाया जाता है। और एक मैसेज दिया जाता है कि भाई आज की नई जनरेशन को माता पिता के बंधनों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, बड़े शहरों में जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ऐसी कई सारी फिल्म्स आपने देखी होंगी, पर ये फिल्म ऐसी सारी फिल्मों के गाल पर एक करारा तमाचा मारती है। भले ही सो कॉल्ड लिबरल्स इसे एक स्ट्रांग कंजर्वेटिव फिल्म कहें, है ये फिल्म स्ट्रांग वैल्यूज को, माता पिता के सम्मान को बहुत ही स्ट्रांगली प्रमोट करती है, उनका गौरव करती है। लेडी बर्ड का जो कैरेक्टर है वो अपने छोटे गांव से, अपने माता पिता के बार बार टोकने से बहुत परेशान है। वो बड़े शहर में, बड़े कॉलेज में जाना चाहती है, अपने बड़े बड़े सपने वो पूरा करना चाहती है। बट इस फिल्म में ऐसे लेडी बर्ड के कैरेक्टर को उसकी गलती का एहसास कराया गया है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बलिदान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, कई सारी परेशानियां सहते हैं, ऐसे माता पिता के उस बलिदान का इस फिल्म में गौरव किया गया है, और उसके लिए लेडी बर्ड को अपनी गलती का एहसास कराया है। जो लड़कियां मल्टीपल रिलेशनशिप्स का में देखिए, आपने ज़्यादातर जो फेमिनिस्ट फीमेल कैरेक्टर के ऊपर बनी फिल्म्स होती है या टीनेज ड्रामास होते हैं, उनमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वन नाइट स्टैंड, इन सारी बातों का समर्थन किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस साल भी कई सारी ऐसी फिल्म्स आई है बॉलीवुड में, आपने देखी होंगी। लेकिन इस फिल्म में एक लड़की का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है, या उनका पूरा ग्रुप ही ऐसा दिखाया है, जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखना, अलग अलग लड़कियों से या लड़कों से रिलेशनशिप रखना, ऐसे कैरेक्टर्स को इस फिल्म में निगेटिव दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव। और लेडी बर्ड इस फिल्म में एंडिंग में जाती भी है बड़े शहर में, लेकिन वहां जाने के बाद उसे उसकी गलती का एहसास होता है, उसे अपने छोटे गांव की, अपने माता पिता के बलिदान की, उसे उनकी उसका महत्व उसे पता चलता है। अब इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताने जैसा है, मैंने इसके रिव्यू में इस पर बहुत डिटेल में बात की है, हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में, किस खूबसूरती के साथ में इस फिल्म में ये सारे मैसेज दिए गए हैं। तो आप फिल्म भले ही अगर आप नहीं देख पाए तो चलेगा, लेकिन हमारा वो रिव्यू आप ज़रूर ज़रूर देखिए, और अगर पॉसिबल हो तो ये फिल्म भी आप ज़रूर देखना, अपने बच्चों को भी ये फिल्म ज़रूर ज़रूर दिखाना। और अब साल की सबसे बढ़िया फिल्म गेस करिए कौन सी होगी। चलिए मैं ये बताता हूँ, सर्चिंग। हाँ, सर्चिंग मैंने पिछले कई सालों में देखी हुई ये सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। यानी वाव, जस्ट वाव। मैंने ये फिल्म देखने के बाद कितना सेटिस्फाइंग फील किया था मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। सस्पेंस, मिस्ट्री थ्रिलर, ये तो एक बढ़िया पार्ट है ही इस फिल्म का, पर सबसे बढ़िया बात इस फिल्म की कोई है तो वो स्टोरी का प्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग का तरीका। सोशल मीडिया के थ्रू एक परिवार की लाइफ हमें शुरुआत के केवल 2 मिनटों में दिखाई जाती है। जिस प्रकार से अब इस एनिमेटेड मूवी में आपने देखा होगा, बचपन में उनका प्यार होना, फिर शादी, फिर बुढ़ापा, एक शुरुआत में केवल 2 मिनटों में ही हमें अप में दिखाया था, उसी प्रकार से इस फिल्म में भी शुरुआत के 2 मिनटों में सोशल मीडिया के थ्रू एक परिवार के कुछ साल हमें दिखाए गए हैं, और वो इतना ज़्यादा इमोशनल हमें करते हैं, यार क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे फिल्म देखते समय लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था रियल इन्वेस्टिगेशन मेरी आंखों के सामने चल रहा है, रियल। इस फिल्म को आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते, बस किसी भी कीमत पर, एक मस्ट 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 वॉच। तो दोस्तों, ये थी मेरी हॉलीवुड की 2018 की टॉप 15 बेस्ट मूवीज की लिस्ट। अब आपकी टॉप 10 या टॉप 15 हॉलीवुड की बेस्ट मूवीज कौन सी है, मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।